वहीं बीजेपी में शामिल हुए प्रीतम सिंह पवार ने पार्टी की रुकनियत लेने के बाद कहा कि मैं इलेक्शन भी लड़ूंगा और पार्टी जिस तरीके की जिम्मेदारी देगी उसे भी निभाऊंगा। बीजेपी की तारीफ करते हुए प्रीतम पवार ने कहा कि बीजेपी की रियासत में जो भी पॉलिसीज रही हैं उनमें मैं काफी मुतासिर हुआ हूं। हमारे साथ बात करने के लिए प्रीतम सिंह पवार जी हैं जिन्होंने आज भाजपा को ज्वाइन किया। आपने आखिर में भाजपा ही क्यों? देखिए, मैं भाजपा की नीतियों से काफ़ी प्रभावित रहा। मैं पहली बार कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ और मैं ये तो निर्दलीय रहा हूँ और ये तो आंदोलनकारी पार्टी से रहा हूँ। उत्तराखंड क्रांति दल से यूकेडी से भी रहे, वही आंदोलनकारी पार्टी रही हमारी। और मैं भाजपा की नीतियाँ जो हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में जो भाजपा की सरकार द्वारा और आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो कार्य हो रहे हैं, बजट जारी हो रहा है, उन सबसे प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य लिए। आपने भाजपा को ज्वाइन किया है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? जो क्षेत्र आपका रहा है उस जगह से आप क्या चुनाव लड़ेंगे? कुछ बात हुई आपकी? देखिए, पार्टी जिस तरह से पार्टी जो मुझे जिम्मेदारी देगी मैं उसका निर्वहन करूँगा। लेकिन क्या चुनाव में जाना पसंद करेंगे? आप चाहेंगे कि आप निश्चित तौर पर चुनाव भी लड़ूंगा और पार्टी संगठन में जिम्मेदारी है जो जिस तरह की जिम्मेदारी पार्टी देगी मैं उसको। लेकिन एक तरफ एक और चीज़ है सबसे बड़ी चीज़ की, भाजपा का यदि बात किया जाए, 5 साल का एंटी इनकम्बेंसी, वहाँ पे जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है, जिस तरीके से तमाम जो मुद्दे हैं बिजली, सड़क, पानी, भू कानून, इन सभी को लेकर के विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में क्या ये लगता है कि भाजपा की नैया जो है इस पर पार होगी? निश्चित तौर पर, और बड़े बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनाएगी। धन्यवाद जी मीडिया से बात करने के लिए।